अस्सलामु अलैकुम, जहरा किचन बिद ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, 250 ग्राम मैंने प्याज ली है जिसे मैंने काट लिया है, 7-8 मैंने लहसुन के जबे लिए हैं जिसे मैंने छील कर रख लिया है, 10-12 काजू लिए हैं, 2 चम्मच मैंने खसखस ली है, 50 ग्राम मैंने भुने चने लिए हैं, 100 ग्राम मैंने नारियल लिया है जिसे मैंने छील लिया है, इसकी ब्लैक वाली साइड को मैंने छील दिया है, 1 जायफल लिया है, 1 काली इलायची ली है, जावित्री ली है थोड़ी सी और दालचीनी ली है, 7-8 सफ़ेद इलायची ली है, 10-12 काली मिर्चें ली हैं, 7-8 लौंगे ली हैं, 1 चुटकी हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच पिसी मिर्च ली है मैंने, 2 चम्मच धनिया लिया है पिसा, 7-8 तेज पत्ते लिए हैं, 2 बड़ा चम्मच दही लिया है जिसे मैंने फेंट लिया है, 250 ग्राम मैंने ऑयल लिया है। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूंगी। पतीली को मैंने गैस पर रख दिया था जो अब गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल को गर्म होने दूंगी, फिर इसमें प्याज डालूंगी मैं। इन सारे मसालों को मैं पेस्ट बना लूंगी, सारे खड़े मसालों का पेस्ट बनाऊंगी मैं। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को मैं हल्का गोल्डन ब्राउन करूंगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूंगी इसको। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसको पेस्ट बना लूंगी। प्याज का और सारी चीज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है, अब मैं चिकन कोरमा बनाने जा रही हूँ। ऑयल गरम हो चुका है और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज का फ्राई किया था। अब मैं इसमें लौंगे और काली मिर्च डालूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी और इसमें तेज पत्ता डालूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी। गरम मसाला और तेज पत्ता हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। चिकन को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी 5 मिनट तक ताकि इसकी ससान सारी निकल जाए। 5 मिनट तक मैं इसको चलाती रहूंगी और गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अभी 5 मिनट लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे 5 मिनट तक अच्छे से चलाऊंगी ताकि इसकी सारी सिसांत निकल जाए। स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी। अब मैं इसमें सारे पेस्ट ऐड कर दूंगी, प्याज का और जो मैंने सारे बनाकर रखे थे सारे पेस्ट ऐड कर दूंगी इसमें और उसे 10 मिनट तक भूनूंगी चिकन के साथ। मिनट तक मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। अब मैं इसमें पिसे मसाले ऐड कर दूंगी। हल्दी मैंने 1 चुटकी ही डाली है बस। अब मैं इसे अच्छे से चला लूंगी। गैस को मैं अब फुल कर लूंगी और 15 मिनट के लिए इसे चलाऊंगी अच्छे से। कोरमे को मैं अच्छे से चलाकर 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं,
अब मैं इसमें 10-12 ताल मखाने डालूंगी और इसे अच्छे से चलाऊंगी। कितना प्यारा कोरमा है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड कर लिया है मैंने इसमें, अब मैं इसे अच्छे से चलाऊंगी। इसे मैंने अच्छे से चला लिया है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, फिर ये हमारा पककर रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है ये चिकन कोरमा, बहुत प्यारा कलर आया है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।